आपको बता दें कि दिल्ली से आप खबर पहुंचा रहे हैं, दिल्ली से जहां पर लखनऊ से खबर, जहां पर सपा नेता आजम खां केस में आज सुनवाई। आजम खां केस में आज सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। सपा नेता आजम खां की अपील पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली से लखनऊ से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, 15 नवंबर को होने वाली सुनवाई आज होनेगी। तो आपको बता दें कि सपा नेता आजम खां केस में आज सुनवाई होनी है। जो सुनवाई 15 नवंबर को होनी थी वो आज होगी। आजम खां केस में आज सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खां की अपील पर आज ये आपको बता दें कि सुनवाई होनी। इससे पहले ये सुनवाई 15 नवंबर को होनी थी। रामपुर से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर आज सपा नेता आजम खां के मामले पर सुनवाई होगी सेशन कोर्ट में। तो आपको बता दें कि सपा नेता आजम खां की अपील पर ये आज सुनवाई होनी है। इससे पहले सुनवाई 15 नवंबर को होनी थी। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस सुनवाई को आज कर दिया गया है, जहां पर सपा नेता। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आजम खां केस में जहां पर उनके द्वारा अपील की गई और जो 15 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी वो आज होगी, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, कल मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में था, आजम खां की जो सदस्यता है, विधानसभा सदस्यता है, रद्द हो चुकी है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, और यहाँ तक कि रामपुर का उपचुनाव भी डिक्लेयर हो चुका है। और तमाम पार्टियां जब अपने अपने प्रत्याशियों के लिए रायशुमारी कर रही, प्रत्याशियों की तलाश कर रही, और उसी बीच ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में इस बात का चैलेंज किया गया था कि क्योंकि रिसेंटली जो है आजम खां को सजा हुई है 3 साल की, पर वो भी लोअर कोर्ट में सजा हुई है और ऐसे में अपर कोर्ट जाने का उनके पास मौका है। हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उससे पहले इसकी जल्दबाजी में सदस्यता का निरस्त होना, इसे लेके चुनौती दी गई थी, जिसे लेके सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और सचिवालय दोनों से जवाब मांगा था। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जो है वो खासतौर पर सेशन कोर्ट को दिया, क्योंकि सेशन कोर्ट जहां पे आजम खान का मामला चल रहा था वहां 3 साल की सजा जरूर आजम को सुनाई गई, लेकिन आजम खान को स्ट्रीट कोर्ट में अपील करने के लिए उन्हें वक्त दिया गया, 1 हफ्ते का वक्त दिया गया, जिससे कि उन्हें जमानत 1 हफ्ते की मिली थी। और ऐसे में जब इसी बात को लेकर मामले को आगे बढ़ाया गया तो कोर्ट ने उन्हें 15 तारीख का वक्त दिया था, और उससे पहले जो है चुनावी प्रचार और खासतौर पे जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो रही थी, जिस वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को क्योंकि आदेश कर दिया है, आज का दिन दिया गया है, और आज ही सेशन कोर्ट को ना सिर्फ मामले को लेकर सुनवाई करनी है बल्कि आज ही सेशन कोर्ट को फैसला भी देना है। और तब तक जो नामांकन प्रक्रिया है, जो नॉमिनेशन डिक्लेरेशन है, वो तब तक के लिए वहां पे रोका गया है। आज जब सेशन कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद तय होगा कि आजम खां को की जो सदस्यता निरस्त की गई वो वैध है या अवैध। अगर आजम खां को उसकी सजा जो है वो बरकरार रखती है, चीजें आगे बढ़ती है, तो जाहिर तौर पर रामपुर में उपचुनाव होगा और ऐसे में आजम खां चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आजम खां की सजा वहां पे रोकी जाती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में रामपुर में जो आजम खां रामपुर से विधायक थे वो बने रहे। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें निकल के आती हैं कि आखिरकार ये सेशन कोर्ट को तय करना है कि सजा बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर एक बार फिर विचार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आजम खान के जो वकील है वो इस बात की पैरवी जरूर कोर्ट से करेंगे कि जो 3 साल की सजा दी गई है, 3 साल की सजा को कम किया जाए और खासतौर पर इस सजा को 2 साल से कम किया जाए, क्योंकि जो आदेश है खासतौर पर अगर किसी भी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है ऐसे में ही उसकी सदस्यता निरस्त हो सकती है, और अगर 2 साल से कम की उसे सजा है, सजा हो गई है तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी। तो ऐसे में आजम खां के वकील जो है उसके लिए खास एक यहाँ पे पैरवी होगी जो वो यहाँ पे सेशन कोर्ट में करेंगे कि आजम की सजा को कम से कम कम कर दिया जाए, 3 साल से बढ़ा के 2 साल से कम कर दिया जाए, जिससे कि आजम खां विधायक की जो सदस्यता है वो उसकी बनी रहे। तो किस तरह का सेशन कोर्ट आदेश देता है इसमें
सेशन कोर्ट को देखना होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम सुप्रीम कोर्ट बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत कल आजम को जरूर दी। जी जी अमित जी, अगर आजम खां की बात करें तो आजम खां की जिस तरीके से रामपुर में उनकी एक बेहतर छवि है और जिस तरीके से आजम खान को अब उपचुनाव से हटाने की होकी जा रही, तो कहीं ना कहीं उनके बेटे की भी जो गिरफ्तारी की गई, कहीं ना कहीं उसका असर भी इस पर दिखाई देगा आज की सुनवाई पर। देखिए बड़ी चीज, क्योंकि जो खासतौर पे अब जो नए नियम बने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है या जो कानून है उसके मुताबिक अगर किसी भी विधायक या सांसद को 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो ऐसे में वो किसी भी वो सदस्य नहीं रह सकता, चाहे वो विधानसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, ऐसे में संवैधानिक पद पर नहीं हो सकता। और यही बड़ी वजह है कि आजम खान की सदस्यता को निरस्त किया गया, क्योंकि लोअर कोर्ट से खासतौर पर 3 साल की सजा दी गई, जो कि भड़काऊ भाषण मामले में है। अब यहाँ पे तय करने वाली बात यह है, क्या जो 3 साल की सजा दी गई है वो 3 साल की सजा को 2 साल से कम किया जा सकता है? अगर 2 साल से कम किया जा सकता है तो आजम खान जो है वो पार्षद बने रहेंगे, यानी विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे। जहां तक बेटे की बात है, बेटे को अब तक केसेस जरूर बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन बेटे को कोई भी सजा नहीं हुई है। और यही बड़ी वजह है कि उनका बेटा जो है वो विधायक है, बाकायदा विधानसभा का सदस्य है, और ऐसे में इस केस का उस केस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जिस सदस्य को यहाँ पे सजा सुनाई जाती है उसके बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू होती है। और यही बड़ी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजों की बेंच थी उसने सेशन कोर्ट के लिए आदेश कर दिया कि आखिरकार मामला जो है वो 15 तारीख तक क्यों लटका हुआ है, जबकि रामपुर में चुनाव होने वाले हैं। सेशन कोर्ट को चाहिए कि वो एक ही दिन के अंदर पूरी मामले की ना सिर्फ सुनवाई करे बल्कि फैसला दे। और यही बड़ी वजह है कि आज आजम खान समेत तमाम लोगों की निगाहें जो है वो सेशन कोर्ट पे टिकी हुई है कि आखिरकार सेशन कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, क्या आजम खां की सदस्यता बरकरार रहती है या आजम खां की सजा को 2 साल से कम कोर्ट करता है, किस तरह से सेशन कोर्ट डिसीजन देता है, और उसके बाद ही फिर आजम खां के वकील जो है वो आगे चीफ कोर्ट में पैरवी करते हैं। जी जी अमित जी, आप हमारे साथ इस आप ही इसके साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उससे भी जानकारी लेंगे। शबी जी, जिस तरीके से आज सुनवाई होनी है, जो सुनवाई 15 नवंबर को होनी थी आजम खां केस को लेकर, और वो आज होनी है, आज को लेकर कर दी गई, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कल जब आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रिट, अपनी पीआईएल, अपनी अपील दायर की थी, और हम 11:30 बजे हम इसी पैनल के साथ कल बात कर रहे थे, और उस वक्त मैंने बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट आजम खान को राहत देगा और रामपुर चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक वैसा ही हुआ, रामपुर जो उपचुनाव है वहां की अधिसूचना पर रोक लगाई जा चुकी है और आज एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी सुनवाई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया था हेट स्पीच मामले में, 3 साल की सजा सुनाई थी, उनकी उनकी इस सजा के चलते उनकी सदस्यता रद्द हुई। उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद आनन फानन में रामपुर की जो उपचुनाव थी उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। वहीं विक्रम सैनी खतौली से विधायक थे, 2 साल पहले उनको सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज तक उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द नहीं की गई थी। इसी को आधार बनाकर, इसी चीज को और आगे बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने बहस की और सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए और कहा कि आप एमपी एमएलए कोर्ट जाइए, वहीं से अगर आपको राहत मिलेगी तो आपको जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसी सिलसिले में आज आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। देखना यही होगा कि आज एमपी एमएलए कोर्ट का क्या रुख बदला बदला सा दिखाई देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में, बहुत सारी चीजों में जो है वो टिप्पणी भी की है और आजम खान को राहत दी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, उसका असर आज की कार्रवाई पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण, या हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा, अब ये जो पूरा प्रकरण है ये एक रोचक हो गया है कि क्या रामपुर में जो अधिसूचना पे रोक लगी है वो फैसला आने के बाद जो है वो रोक हटा दी जाएगी और जो निश्चित तय अवधि है उसमें जो है वो चुनाव होगा, या जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं रामपुर में जो है चुनाव होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, और जो आयोग के वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके की दलील दी थी।
तो देखना यही होगा निश्चित तौर पर आपसे थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। इस प्रकरण में कुछ भी पहले से कहना थोड़ा सा जो है वो रिस्की है, और थोड़ा सा जो है क्योंकि जब कोर्ट में सारी चीजें हैं तो पहले से कोई बात कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि ये मामला बहुत रोचक हो चला है और देखना यही होगा कि आज एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां के लिए किस तरीके का फैसला होता है या आज किस तरीके का दिन जो है आजम खां के लिए आता है। शवि जी, अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सपा नेता आजम खां की अपील पर होगी सुनवाई, जहां पर आज ये सुनवाई हो रही है। इससे पहले जो ये सुनवाई थी वो 15 नवंबर को होनी थी, जिसे अब आज के लिए टाल दिया गया। अमित जी, आपका इसके साथ ही हमारे साथ रेजिडेंट अमित दुबे भी जुड़े हुए थे, उनका अमित जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सपा नेता आजम खां की अपील पर सुनवाई होनी है, जहां पर उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर आज सुनवाई होगी। 15 नवंबर को ये सुनवाई पहले होनी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज सेशन कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी।